नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ट्रिकी इलेक्ट्रिकल में। आज हम यहाँ पे आपको एक मशीन की ट्रिक बताएंगे, जो अपनी सिंक्रोनस मशीन होती है उसमें बेसिकली यूज की जाती है ट्रिक, उसके बारे में बताएंगे। तो आप सबने पढ़ा होगा कि मोस्टली पूछा जाता है कि अल्टरनेटर जो होता है लैगिंग पावर फैक्टर पे ओवर एक्साइटेड होता है कि अंडर एक्साइटेड होता है, कि डी मैग्नेटाइजिंग होता है कि मैग्नेटाइजिंग होता है। इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, वो ये है, समय से लोड याद रखना है यहाँ पे, LOAD अपने इलेक्ट्रिकल में ये तो सब जानते ही हैं, ठीक है। तो इसमें याद रखने वाली चीज़ क्या है, सबसे पहले हमें यहाँ ध्यान देना है कि जो L है वो हमें यहाँ पे लैगिंग शो कर रहा है, ओ ओवर एक्सटेंडेड, और जो अपना ए है, ए जो है वो अपना यहाँ पे अल्टरनेटर, और डी है वो डी मैग्नेटाइजिंग दिखा रहा है। अब कुछ लोग ये पूछ रहे होंगे कि L4 तो लीडिंग भी होता है। हाँ लीडिंग भी होता है, लेकिन इतना तो अपने को याद करना पड़ेगा दोस्त, है कि नहीं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं किस तरह से इसको फॉर्मूले को हम बनाया है, ठीक है। तो ये है बेसिकली अपना फॉर्मूला है, वो ये है। तो लोड में, लोड अपने लिखा था L4 लैगिंग आ गया, ये हो गया D4 डीमैग्नेटाइजिंग हो गया, A4 अल्टरनेटर हो गया, और और O4 ओवर एक्सटेंडेड हो गया, ठीक है। तो ये एक टर्मिनोलॉजी बन गई कि अल्टरनेटर लैगिंग पावर फैक्टर पे ओवर एक्सटेंडेड और डीमैग्नेटाइजिंग होता है, कुल मिला के LOAD, ठीक है। L लैगिंग, O ओवर एक्सटेंडेड, A4 अल्टरनेटर, D4 डीमैग्नेटाइजिंग, कोई दिक्कत। अब इसी तरह से हम सारे फॉर्मूलेज बना लेंगे, इसके फॉर्मूलेज क्या है, ट्रिक बना लेंगे। अब यहाँ क्या है कि अल्टरनेटर की जो अल्टरनेटर आ गया, लैगिंग लीडिंग हो जाएगा, ओवर एक्साइटेड अंडर हो जाएगा, डीमैग्नेटाइजिंग मैग्नेटाइजिंग हो जाएगा, ये कंप्लीट हो गया। तो इतना हम अल्टरनेटर के लिए याद कर सकते हैं, ठीक है। अब सेम मशीन के लिए भी यही होता है। अब मशीन के लिए क्या है कि अपना जो लैगिंग में यहाँ जो ओवर एक्सटेंडेड था वो यहाँ अंडर हो जाएगा, और मैग्नेटाइजिंग का डीमैग्नेटाइजिंग हो जाएगा। तो इस मशीन का मोटर के लिए तो आसानी से याद कर सकते हैं हम, बस हमें बताना इतना ही था कि इसको कैसे याद रखना है, क्योंकि एक अगर याद हो जाएगा तो बाकी फॉर्मूले, सॉरी बाकी जो हैं आप शॉर्टकट बना सकते हो। जैसे अगर ये अपने को याद है तो अपने सारे चारों टर्मिनोलॉजी अपने यहाँ से बना सकते हैं, अगर हमने LOAD याद है, LOAD लैगिंग लैगिंग ओवर अल्टरनेटर और डीमैग्नेटाइजिंग, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।